नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये हमारा टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का सेशन है, जो हम ठीक 12 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। और आज क्लास 3 का सेशन है। आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर मिस पायल सैनी, जो कि आज जो भी हम इस सेशन में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, उसे ये साइन लैंग्वेज में इंटरप्रीट करेंगी। पायल, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंक्लूसिव क्लासरूम में आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करने जा रहे हैं, एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज फूड्स वी ईट, चैप्टर 6 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब फूड्स वी ईट, जाहिर सी बात है कि खाने की बात होने वाली है, भोजन की बात होने वाली है। एनवायरमेंटल स्टडीज में ये चैप्टर क्यों है, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, उसे भी हम जानेंगे। आपके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो आज एक्सपर्ट है वो स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और पढ़ते हैं, जानते हैं फूड्स वी ईट। हमारे साथ है मिसेस देवजानी मुखर्जी, आप स्पेशल एडुकेटर हैं। देवजानी जी, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। थैंक यू सो मच। अ बेसिक क्वेश्चन, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं एज एन जेनरिक पूछूं कि चैप्टर 6 फूड्स वी ईट की आज हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसको पढ़कर बच्चे क्या जानेंगे और क्या समझेंगे, क्योंकि एक इंक्लूसिव क्लासरूम का चैप्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसमें हमें पढ़ाना है, तो इसमें तमाम सारी चीजें होंगी, जाहिर सी बात है, जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसके होने की वजह क्या है? खाना, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबॉडी, फॉर आई मीन इट्स अ बेसिक थिंग, और सब लोग हम खाना खाते, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, वी नीड फूड। नाउ देयर इज अ, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई वी नीड फूड, और किस किस समय पे हम खाना खाते हैं, और कैसे लोगों के खान पान अलग होता है, उसके क्या कारण हैं। सो वी गोइंग टू डिस्कस ऑन ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स बीइंग एन इंक्लूसिव क्लास, वी आई वुड बी शोइंग द एंटायर लेसन ऑन द स्क्रीन, एंड दे वुड बी ऑन द स्लाइड, और आई विल बी रीडिंग इट आउट एंड ऑल्सो एक्सप्लेनिंग फॉर दोज विद प्रिंट डिसेबिलिटी। एंड वी ऑफ कोर्स हैव आवर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, who would be interpreting whatever I teach using the signs. So I'm sure you'll all understand and enjoy the basic lesson that we're going to do today is about food. So let's make this lesson accessible for all those are the, you know, learners of our class. Absolutely. Now it's just a little bit more than 12 o'clock. I'm sure all of you at least had your first meal. Can you tell me, sir, what is the first meal we call? What is the meal that we have in the morning that is called? Breakfast? Yes. We basically have three meals, the main meals. Jo sabse subah khate hain, usko hum breakfast bolte hain. Then by afternoon, we have lunch. And maybe in the evening, we have little snacks. And at night, the food that we eat is what is known as dinner. Now, the most important meal is the breakfast. Kyunki जो आप खाना पिछले रात खाए डिनर के टाइम पे और जो आप अगले दिन सुबह खाएंगे, उसका गैप सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल मस्ट हैव आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग आउट और डूइंग एनी एक्टिविटीज़। सो जस्ट टू बिगिन विथ, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? यस। एंड इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट माई ट्रे, आई हैव सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केप्ट। ओह वाओ। So and some of course there are some cereals. तो आप बताएंगे आपने इनमें से कुछ खाया क्या सुबह ब्रेकफास्ट में? मुझे लग रहा है कि yes, इसमें एक ऑप्शन है जो सुबह मैंने आज खाया है और वो है ये ब्रेड। अच्छा, आपने ब्रेड खाया, एंड एनीथिंग एल्स दैट यू हैड? ब्रेड बटर, इसमें बटर ब्रेड बटर नहीं दिखाई दे रहा है शायद। कोई नहीं, हमारे पास बटर हम मान लेंगे है। और फिर और कुछ लिया आपने? Because there are fruits also. Yes. Okay. So, sir had bread and butter, and I had egg, and along with that, I had some fruits. Did you have also fruit? Not really. Okay. Means not today? Not today. So, I had mango. Okay. So, what I want to say is, along with the bread, I also had some fruit and egg. We both had our breakfast, lekin hamara खाना जो है, ब्रेकफास्ट जो है, अलग अलग है। सो दिस लीड्स अस टू आवर फर्स्ट स्लाइड। इफ यू कैन जस्ट मूव ऑन टू द माय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो वी हैव, यहाँ पे हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हैं और जो अपने डिनर के बारे में
डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो आई सी अ गर्ल वेयरिंग अ येलो ड्रेस एंड शी सेइंग आई कुक्ड दाल एंड राइस. द नेक्स्ट चाइल्ड सेज लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी. यानी कि हम लोग तो चपाती खाते हैं वो यूजली आटे का बना होता है, पर इस बच्चे ने चपाती खाया जो बाजरे का बना हुआ है, जैगरी यानी कि गुड़ के साथ खाया. नेक्स्ट वी हैव अ चाइल्ड हु सेज आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माय ग्रैंडमदर फॉर द लंगर एंड वी एट दाल एंड चपाती. देन दिस लिटिल गर्ल सेज अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. उसने ऑमलेट खाया क्योंकि उसकी मम्मी ने जो बनाया था खीर और पूरी वो उसे पसंद नहीं. द नेक्स्ट चाइल्ड सेज माई मदर कुक्ड फिश एंड आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चाइल्ड माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी एंजॉयड ईटिंग इट. यानी कि इस बच्चे की मम्मी कहीं ऐसे जगह पर काम करती है जहाँ से उन्हें नूडल्स मिला और वो लेकर आई और इस बच्चे ने मम्मी के साथ वो नूडल्स खाया. नाउ वी रीच टू द नेक्स्ट चाइल्ड हु सेज यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. नाउ दो देयर आर 7 चिल्ड्रन सिटिंग एंड डिस्कसिंग व्हाट दे एट एट नाइट. लेकिन इनमें से एक बच्ची ऐसी भी है जिसके घर में कुछ भी नहीं बना था. अब इस पेज को पढ़ने के बाद क्या लगता है आपको रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड? व्हाई डू थिंक दिस पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर डिनर? अगर आपसे मैं पूछूं तो जनरली वी ईट फूड डेली, बट एज पर आर चॉइस, एज पर आर टेस्ट, सभी के घरों में कुछ ना कुछ अलग अलग बनता ही है. लेकिन हाँ, ये एक जो बच्ची जो कह रही है कि जिसके घर में कुछ नहीं बना कल, सो देयर मे बी सम सोशल रीजंस और मे बी कुछ ऐसा रीजन रहा हो. हो सकता है गैस खत्म हो गई हो. ये इम्पोर्टेंट चीज है कि अज्यूम कर सकते हैं हाँ कि किस कारण में इसके घर में खाना नहीं बना होगा. हो सकता मम्मी घर में ना हो, हो सकता खाना बनाने वाले ना हो, हो सकता कुछ कंस्ट्रेन है जिसके कारण इनके घर में उस दिन के लिए खाना नहीं बन पाया. तो ये चीज जो हमें सीख मिलती है कि बिल्कुल कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रोज खाना नहीं मिलता है, इसलिए आप उतना ही खाना लीजिए अपने प्लेट में विच यू कैन ईट एंड डू नॉट वेस्ट फूड बिकॉज सो मेनी चिल्ड्रन गो हंग्री. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्लाइड दैट वी हैव टू कंसिडर अबाउट अदर्स रिक्वायरमेंट एंड ईट वट एवर अमाउंट इज रिक्वायर्ड बाई यू. सो दैट्स वॉट वी लर्न फ्रॉम हियर. नाउ द अदर थिंग इज कभी ऐसा हुआ कि आप घर में पहुंचे और भूख लगी आपको और खाना नहीं मिला आपको? ऐसा हुआ कि आपके साथ? व्हाट हैपेंड? होता ही रहता है. ओके, सो दैट हैपेंड विद मी एज वेल एंड द फूड वाज नॉट बीन एबल टू कुक बिकॉज द पानी नहीं था उस दिन. सो ऑब्वियसली देयर वाज नो फूड एट होम. नाउ व्हाट हैपेंस, हाउ डू यू फील व्हेन देयर इज नो फूड एंड यू वांट टू ईट फूड? कैसा लगता है आपको? रियली बैड. मतलब किस तरह का फीलिंग होता है? आपको भूख लगता है. सो हाउ डू यू फील देन व्हेन यू फील हंग्री? यू फील, यू डोंट फील नाइस, राइट? यस. तो पॉइंट इज व्हेन यू आर हंग्री यू एक्चुअली डू नॉट फील एनर्जेटिक. यू फील लाइक यू नो योर स्टमक वांट्स टू क्रेव फॉर फूड. तो अब अगला सवाल जो आता है कि खाना हमें क्यों चाहिए? व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? So what do you think we need food for? We need food for energy. We need food to run our, body. Okay. Protein, minerals, I think. All right. Quite true. Actually, all living beings, they need food. Now, we need food for getting, we get energy. This energy helps us to do all kind of basic work and play that we do. Besides that, it helps us to grow. जब आप छोटे होते हो तब जैसे आप दिखते हो, धीरे धीरे आप बढ़ते हो, तो फॉर ऑल दैट यू नीड फूड. एंड ऑफ कोर्स टू फाइट विद द डिजीजेस, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वी ऑल ऑफ अस नीड फूड. सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो एज वी सी नॉट द सेम काइंड ऑफ फूड इज कुक्ड इन एवरी हाउसेज,
इट ऑल डिपेंड्स कि आपका घर का माहौल कैसा है, आप किस खाना से यूज टू हो, उस तरह के खाना ही आपको आप खाते हो घर में. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल सी व्हाट्स हैपनिंग इन विपुल्स हाउस. नाउ विपुल लिव्स इन अ हाउस वेयर देयर आर नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और ये इनके जो फैमिली मेम्बर्स है दे आर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. So we will see what's happening because Vipul is fond of something. Now we'll see, are the other members able to eat what Vipul is eating? क्या दूसरे घर के घर वाले घर में जो members हैं वो चीज़ खा पा रहे हैं जो विपुल को पसंद है? दो चीज़ है, एक तो खाने की इच्छा है तब नहीं खा, फिर भी आप नहीं खा पा रहे हो, उसका कारण क्या है? So let's just go through his house and see what's happening. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? यानी कि विपुल के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो सब खाना नहीं खा रहे हैं. नहीं खा रहे मतलब ये नहीं है कि वो खाना नहीं चाहते, मतलब ये कि वो नहीं खा पा रहे हैं. There's a reason why they are not able to eat those things. Now let's see what is that food all about. Let us read about Vipul's family. तो एक दिन क्या होता है, while coming back from school, Vipul bought a bhutta. वो एक corn खरीदता है. And he reached home and asked his mother, where is Chutki? I want to see her. भुट्टा लेके खुशी खुशी घर आता है और घर में आके पूछता है कि छुटकी किधर है, मुझे उससे मिलना है. हिज मदर रिप्लाइड छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स, छुटकी ऊपर वाले रूम में है. अब विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी. विपुल की ग्रैंड मदर दादी भी उनके साथ रहते हैं. विपुल ने ग्रैंड मदर को बोला कि चलिए आप भी मेरे साथ जल्दी से ऊपर आ जाओ. हिज मदर स्टॉप्ड हिम. I have soaked Ba's chapati in dal. Let her first have her meal. विपुल के मम्मी ने बोला, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, दादी के लिए हमने रोटी को दाल में भिगो के रखा हुआ है, पहले दादी को खा लेने दो, फिर आपके साथ ऊपर जाएंगे. I have you then have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said dadi to Vipul's mother. अब दादी को जब खाने के लिए बोला गया कि वो दाल खाइए जिसमें रोटी भिगो के रखा हुआ है, तो दादी ने पूछा कि क्या तुमने मेरे दाल में चीनी डाला है? अब देखिए यहाँ पे ये है कि सब जगह के खाना, दाल तो सब जगह बनता है, लेकिन खाने का जो मेथड है, बनाने का जो मेथड है वो अलग अलग है. विपुल की दादी जिस जगह से आती हैं, नागपुर से, जहाँ पे दाल में चीनी दिया जाता है, तो विपुल की दादी पूछ रहे हैं कि दाल में चीनी डाला हुआ है कि नहीं. विपुल की मम्मी कहती है कि हाँ मैंने आज डाला हुआ है एंड इट इज़ मेड वेरी टेस्टी. सो देन विपुल पिक्ड अप हिज मदर्स प्लेट एंड रैन अप ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स. ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली. विपुल ने दादी की प्लेट को उठाया और भागता हुआ ऊपर गया और दादी को बोला कि आप भी जल्दी से आ जाइए. लेकिन क्योंकि दादी बुजुर्ग हैं वो उतना तेज नहीं चल सकते, सो शी सेड दैट वो जब विपुल के उम्र के थे, शी कुड क्लाइम द माउंटेंस वेरी क्विकली. तो दादी जाती है ऊपर और वहाँ विपुल फिर ऊपर पहुँचता है. विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड छुटकी. विपुल जब फर्स्ट ऊपर पहुंचता है, वहाँ पे उसकी मामी होती है. विपुल ने जल्दी से अपना जो भुट्टा ही वॉज कैरिंग ही गेव इट टू मामी और हाथ धो के उसने छुटकी को उठा लिया. छुटकी जो छोटी सी बच्ची है, उसकी बहन है, जो ओनली फ्यू मंथ्स ओल्ड. नाउ सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग. शी इज़ हंग्री, सेड मामी. शी सैट डाउन टू फीड छुटकी. मामी ने बोला कि छुटकी को भूख लगा, इसीलिए तो छुटकी रो रही है. तो फिर मामी ने उसको दूध पिलाने लगी. नौ ये जो कहानी है जो विपुल के फैमिली में, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो हम देख रहे हैं कि उसके फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं. दादी हैं जो थोड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी हैं उसके, मामी हैं, विपुल खुद है और उसकी छोटी बहन है जो
बिल्कुल बच्ची है क्योंकि वो फ्यू मंथ्स ओल्ड हैं. नाउ आउट ऑफ दीज पीपल आप बताइए, ये भुट्टा जो ये लेकर भागता हुआ आया विपुल, कौन खा सकता है भुट्टा उसका, आप बताइए जरा. मैं भी यहाँ पर सुन रहा हूँ कहानी और जो इसके कैरेक्टर्स हैं, जो चार पांच कैरेक्टर्स इसमें हैं. देखिए इसमें दादी, अब चूंकि दाल में रोटी उनको भिगो कर दी जा रही है, एग्जैक्टली, यानी कि उनके दांत नहीं है या दांत उतने स्ट्रांग नहीं है, शायद मजबूत नहीं है, एग्जैक्टली, राइट, मे बी शी इज नॉट एबल टू ईट. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, नंबर वन. और जो टॉडलर है, जो उसकी बहन है छुटकी, जाहिर सी बात है कि वो तो अभी दूध पी रही है, बिल्कुल, हिज मामी यू नो वाज फीडिंग हर व्हेन शी वाज हंग्री, राइट, सो शी कैन नॉट हैव भुट्टा. ओके, अब उसकी मम्मी और उसकी जो मामी है, ओनली दीज टू पीपल कैन हैव, एंड ऑफ कोर्स दिस विपुल, विपुल आल्सो, वो तो लेकर ही आया है, उसकी चॉइस है, बिल्कुल. तो ये तीन लोग कैन हैव भुट्टा, एब्सोल्युटली. सो इवन इफ इट इज अवेलेबल टू यू, you may not be able to eat because you are not capable of eating them, क्योंकि आपके दांत उतने strong नहीं हैं. So this is one thing. Secondly, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि दादी जो है खाने में, खाने के बारे में कुछ कह रही है, क्योंकि दाल सब जगह पे बनता है, क्योंकि but दादी को कुछ specific तरह के दाल चाहिए, तो उनका दाल बनाने का तरीका कुछ अलग है, इसलिए वो अपने दाल में चीनी डलवाना चाहते हैं. So this is what we see in Vipul's family. Now we have learned that even if you have things, you cannot eat whenever, right, whatever you want to eat. Now doing this, we can have, think of and having an activity in the class as well. Yes, can we have the same next slide? Yes, please. Now class mein what we can do is we can tell the children to find out from their house what, like a chutki, yeah, and there is a yourself, which is could be a young person and old people. Now, तीन तरह के लोग हैं, वो क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं. अब जैसे हमने देखा जो छोटा बच्चा है, child, what can they eat? So probably they can drink milk, and what else can they eat? If I can ask you, what could be that be? What could that be? A child can have milk. What else can he eat? Cerelac. Maybe. Soft food, yes. Soft food. Or maybe khichdi. और जो सख्त वाले फ्रूट है या खाने की चीजें जैसे गन्ना हो गया, कुछ हो गया, तो ये नहीं खा सकते. But for the young people, they can eat anything, and there's nothing that is they cannot eat because they have grown up now, the things have developed now, तो वो सब कुछ खा सकते हैं. और फिर हम चलते हैं old people. Again, old people also have the similar food they are able to have like a child, because उनके भी दांत के दिक्कत हो सकते हैं, दांत के लिए. सो दे विल हैव सॉफ्ट मैश्ड फूड और मे बी दलिया या खिचड़ी, और जो सख्त वाले चीजें जैसे यहाँ भुट्टा की बात हुई, तो वो सब चीजें ये नहीं खा सकते. सो ईच वन ऑफ देम कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर हाउस कि उनके घर में जो डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं. ये तो हुई कि द थिंग्स दैट वी कैन और वी कैनॉट ईट. अगला सवाल जो आता है, Do we eat all the things that we can eat? क्या हम वो सब चीज़ खाते हैं जो हम खा सकते हैं? Actually, probably not always. अगर आप नीचे कॉलम में देखेंगे, एक जो बार बनी हुई है जिसमें अलग अलग तरह के सीरियल्स में कहूँगी लगे रखे हुए हैं. Now these are rice, wheat, barley, oats, maize, millet, tapioca and ragi. Now ये सब चीज़ आर अवेलेबल, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ सब लोग नहीं खाते. अगर हम राइस लेते हैं, राइस इज़ जनरली ईटन बाई पीपल ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. वेयर एज़ अगर आप वीट लेते हैं, तो नॉर्दर्न स्टेट में लोग जल्दी ज़्यादा गेहूँ के साम चीज़ खाते हैं. और अगर आप नीचे जाते हैं जहाँ पे टेपियोका विच इज़ फाउंड इन द सदर्न स्टेट्स, तो ये चीज़ अवेलेबल होते हुए भी हम लोग ये ऑन द रेगुलर टाइम पे नहीं खाते हैं. विच गिव्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो फिर व्हाट ऑल डू वी, हाउ डू वी डिसाइड व्हाट वी शुड ईट? सो इफ आई कैन आस्क यू दैट क्वेश्चन, व्हाट यू थिंक यू कीप इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ईटिंग समथिंग और बाइंग समथिंग फॉर ईटिंग? इट्स अप टू माय चॉइस. व्हाट ऑल थिंग्स लाइक स्टिल इवन इफ इट इज अप टू, दैट इज लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, राइट? इसके अलावा भी आप क्या क्या चीज सोचते हैं जब आप कुछ खाने की चीज खरीदते हैं? बेसिक नीड
बेसिक नीड. अब वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके इलाके में वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी लोकली अवेलेबल, क्योंकि अगर आप बाहर से मंगवाओगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी या फिर आपको वो फ्रेश सामान भी नहीं मिलेगा और हो सकता है इमीडिएटली आपको ना भी मिले. सो यू गेट यूज टू द फूड विच इज़ लोकली अवेलेबल. तो जब हम कुछ खाना हम यूज टू हो जाते खाना खाने में, सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कीप इन आवर माइंड कि कौन सा सामान अवेलेबल है, कौन सा फ्रेश है, उसका कॉस्ट क्या है, क्या आपको पसंद है या नहीं पसंद है. सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट दैट वॉट ऑल पॉइंट्स वी कीप इन माइंड वाइल वी आर सिलेक्टिंग द फूड दैट वी ईट. नाउ दीज आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स वॉट वी ईट. नाउ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दैट्स अ फर्स्ट वन. यानी कि ये सामान आप कुछ ऐसा, अगर आप राइस ईटर हैं तो आपके आसपास राइस अवेलेबल होना चाहिए. लेकिन अगर आप मान लीजिए ज्वार बाजरा ये सब खाते हैं, वो तभी खा सकते हैं जो ऑन ए रेगुलर बेसिस पे अगर वो अवेलेबल हैं. अगला जो पॉइंट है वो अफोर्डेबल इन द, यानी कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, अफोर्ड करने वाले प्राइसिंग विद इन योर लिमिट खर्चे के अंदर होना चाहिए. एंड दैट अगेन इज पॉसिबल इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग विच इज़ लोकली ग्रोन. देन देर आर सर्टन थिंग्स लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. अब कुछ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल खाना खाते हैं. जैसे अब गज्जा करेबड़ी खाना है तो हम लोग वेट करते हैं कब खाते हैं, जनवरी में. हाँ, और हम पीली वाली चावल भी खाते हैं, यू नो सम ओकेजन. देन मिठाई तो फॉर एनी फेस्टिव सीजन हम लोग मिठाई खाते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट यू फॉलो यू डिसाइड व्हाट फूड यू नीड टू ईट. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट एज फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम. ऑब्वियसली अगर वो आपके आसपास ग्रो कर रहा होगा तो आपको फ्रेश सामान मिलेगा. एंड द लास्ट थिंग इज योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. कुछ चीज़ अवेलेबल होता है आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसको खरीदेंगे. सो दैट अगेन, सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटर्मिन्स कि आप क्या खाना खाना चाहते हो या क्या आप घर में लेकर आना चाहते हो. सो दोज आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड्स. अब आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब तो हमने डिसाइड कर लिया कि देयर आर वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल इन द मार्केट. डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स दैट वी डिस्कस्ड वी ट्राई टू गेट द फूड एट आवर प्लेस. अब वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स. नाउ यानी कि अब हम लोग वीट या राइस घर में लेकर आते हैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं, या राइस जैसे राइस नॉर्मली खा लिया, इससे भी हम बहुत सारे सामान बना सकते हैं. नाउ वो भी डिपेंड करता है आप किस जगह पे रहते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी सी हियर दैट वीट वी कैन मेक चपाती एंड वी कैन टेक मेक हलवा. कैन वी मेक समथिंग एल्स ऑल्सो विद वीट इफ आई कैन आस्क यू दैट वॉट एल्स कैन वी मेक. डोसा. No, with wheat, what else can we make? Chapati and halwa. Yeah. One of our favorite thing that we can have with wheat. What's your favorite thing that you can have it from your wheat? Roti to chapati ho gaya. Chapati ho gaya. We all rub parathas. Oh, yes. Paratha, puri, we all love all that. So, wo sab hum wheat se banate hain. And even nowadays, the healthy cake that is also made out of wheat, you know. Aur agar hum rice ki taraf jate hain, तो राइस में तो बहुत वैरायटी है. अब यहाँ पे डोसा पुलाव एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन विद राइस. इडली ऑफ कोर्स. इडली सदर्न स्टेट्स इट्स सो फेमस एंड वी ऑल ईट इट हियर आल्सो. और हमारी फेवरेट खीर. yes. खीर में भी हम राइस बनाते हैं और कुछ टॉप मोस्ट चॉइस ऑफ द इंडियन. एब्सोल्युटली. एंड बहुत सारे नमकीन भी ऐसे हैं जो राइस को पीस कर बनाया जाता है. तो इवन इफ यू हैव ऑल दिस यू नो things, but it's not necessary that you will be eating just the same kind of food. You can have a choice, you can have a variety, and we can have lots of choices using wheat and rice. So that's what we have learned today, which means we have basically talked about the importance of food, why we need food, and how food is eaten differently by different people, or kis tarah se alag tarah se cooking hoti hai. And depending on the environment that you've been following, you also eat different food at different timings. Food is important.
Anything else you want to add to that? I think many aspects of food I think are described in this chapter. Right. For all the people, अभी ये चूंकि हमारा inclusive classroom है, उसमें भी एक point ये है कि ये it is like our social diversity of India. Absolutely. हर घर की कहानी, जैसे वो बच्चे, सात बच्चे जो बैठे हुए हैं, they are discussing about their Absolutely. dinner. तो यहाँ पर बच्चों को कहीं ना कहीं ये भी समझाने वाली बात है इस पूरे chapter के through कि कैसे फूड की हमें वैल्यू समझनी चाहिए, जैसा आपने कहा भी कि डोंट वेस्ट फूड. तो इस तरीके से चीजें मुझे लग रहा है. मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जैसे इसको पढ़ाया हमने, तो इसको और प्रैक्टिकली एक्सेसिबल कैसे किया जा सकता है, जैसे आप ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने बनाया, तो क्या हम ओरिजिनल भी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और बच्चों को बताया जा सकता है? एब्सोल्युटली. नाउ वी ऑल नो दैट द क्लासरूम्स आर अ डाइवर्स काइंड, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट categories of children. So irrespective of their disabilities, it is important that each one of them must take part in the activities that is conducted in the class. Now for that everybody must participate, aur wo participate tab karenge jab unka mahol ek aisa hoga ki that's a very free kind of a atmosphere where they would be freely exchanging their views and telling their ideas and what happens in their house. तो जब बच्चे दे विल बी एबल टू डिस्कस, चिल्ड्रन ऑल्सो विल लर्न. नाउ लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स बट वी ऑल ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, इसी तरह से सब बच्चे, दो दे आर ऑफ कमिंग ऑफ दे ईच चाइल्ड इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वी ऑल दे ऑल कैन सिट टुगेदर, कम्बाइन टुगेदर एंड लर्न बेटर वेन दे आर टुगेदर एंड exchanging their viewpoints, exchanging what they eat at home, and then also finding out what is the reason why this particular food is cooked in their house. So actually jab discuss karenge to ek dusre se puchenge aur janenge bhi, because the children learn a lot when they're interacting with their peer group, and irrespective of the disability they actually can touch and feel the real objects, feel the shape, feel the texture, also would be able to segregate कि ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये सीरियल्स हैं, और खाने में सब चीज़ का अ बैलेंस्ड डाइट हैज़ टू बी देयर. और इसमें एक और जो सीखने वाली चीज़ है इज टू रिस्पेक्ट फूड ऑफ एनी टाइम. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एज फार एज फूड इज ऑल्सो कंसर्न, लाइक वी हैव डाइवर्सिटी इन आवर लैंग्वेजेस एंड कल्चर, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ फूड एंड ऑल्सो ट्राई टू टेस्ट the food which is cooked in. Of course we are tasting a lot of food from the other states, to aapko kahin bhi jaane pe jaoge to kahin dikkat nahi hoga, you are tuned to having any kind of food that's available in any place. So this is a big advantage if you actually intermix and you know share your tiffins together, where your children can sit together and have their food, special ones food, you know, and exchange to make them know what different states are specializes in different kind of foods. Students will be ready, you know, to accommodate in any absolutely in any situation. Yes. Or maybe जैसे वो खाना accommodate करेंगे, वैसे ही then children would be able to accommodate themselves in any kind of situations, in any kind of that way. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो हमने आज पढ़ा उसमें से कुछ keywords हम देख लेते हैं और उन्हें sign language में सीख लेते हैं. तो मैं फाइल से कहूँगा कि पहला शब्द है food, इसे sign language में interpret करें. Food. Hungry, meal, तो ये हुए keywords और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा homework क्या है. खाने का lesson है तो कुछ interesting homework भी होना चाहिए. तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको अपने favorite food item का नाम लिखना है. Write the name of three food items that you like to eat. और सेकंड क्वेश्चन जो है आपको लिखना है, व्हाई वाज दादीज चपाती सोक्ड इन दाल. जो कहानी में आपने पढ़ी कि दादी को रोटी दिया जा रहा था, दो दूध जो दाल में सोक करके दिया जा रहा था, सो यू हैव टू राइट व्हाई वाज इट सोक्ड इन दाल. एंड देन आल्सो यू हैव टू फाइंड टेल अस हाउ मेनी पीपल इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजिली एंड व्हाई. वी डिड डिस्कस दिस कि भुट्टा खाने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है और क्यों सिर्फ कुछ ही लोग कहानी में भुट्टा खा सकते हैं. सो यू हैव टू राइट दैट. ऑलराइट, सो लेट्स सी द मॉडिफाइड होमवर्क. यस. नाउ फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. एब्सोल्युटली. नाउ हियर यू आर गिवन ऑप्शन, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. सो सर्कल द राइट ऑप्शंस. सो यू हैव बिसाइड्स डोसा यू हैव टू फिल अप
which is also made up of rice. Is it pulao, is it paratha, or is it paneer? Hmm. So just circle the correct answer. Next one is, a newly born baby can drink only milk, eat sugar cane, or eat bhutta. So aap usko circle karenge. Now we also want you to write the name of the three food items that you like to eat. I'm sure you'll all enjoy doing this because you would be writing your favorite food items here. And the same questions can be read out to the visually impaired children so that they can answer these in braille or record their answers and share. Right. Perfectly fine. And I'm sure ye environmental studies ka jo chapter hai, ye jo diversity hai social, economic aur mujhe lagta hai welfare of the family jo diversity hai wo batati hai. Aur inclusive classroom mein humne sabke liye padhaya, yahan par bhi hume ek diversity dekhne ke liye milti hai. Bilkul. From all the backgrounds, students, yes, you know, come forward in the class, take part in the class. To kaise unke beech mein equality aayegi, iski aur ye ishara karta hai. मिसेस देवजानी, आप यहाँ तक आई, आपने ये सेशन पढ़ाया. मुझे लगता है कि आई एम श्योर जो हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें हमारे जो तमाम बच्चे हैं उनके ये काम आएगा, और जो टीचिंग लर्निंग में लगे हुए हैं टीचर्स उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. आई होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉय ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड एंड एंजॉय एंड बी हैप्पी. यस, हमारे पास जितना भी हो उसमें हम खुश रहें, और जितना भी हो उसे हम वेस्ट तो बिल्कुल ना करें, ये हमारा ज़रूर यहाँ पर ध्येय होना चाहिए. पायल, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, आपने पूरा जो सेशन था उसे इंटरप्रेट किया साइन लैंग्वेज में. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सो डियर लर्नर्स, हमारा ये टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम का सेशन यहीं समाप्त होता है. आप हमारे तमाम लाइव इंटरेक्टिव सेशन के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PME विद्या चैनल्स. नमस्कार.